अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, के वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके डिफरेंस को हमने स्टडी किया था। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, के वायरस के प्रॉपर्टीज़ क्या है, वायरस के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम वायरस की साइज़ की अगर बात करें, जो वायरस का साइज़ है वो इतना छोटा है कि इसको ना हम अपने आंखों से देख सकते हैं और ना इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। द साइज़ ऑफ वायरस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, वी कैन नॉट सीन इट थ्रू नेकेड आइज और थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, बट वी कैन सीन इट थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका मैग्नीफिकेशन पावर हाई होता है। हमारे पास वायरस के साइज रेंजेस करते हैं डिफरेंट वायरसेस के, लेकिन जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वायरस है इनका साइज 20 नैनोमीटर से होता है, और ये हमारे पास रेंज करते हैं, जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट वायरस है वो है 250 नैनोमीटर का। तो साइज में क्या है कि 20 से स्टार्ट होके 250 तक इनके रेंजेस हमारे पास होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है उसको हम बोलते हैं पार्वो वायरस, ये हमारे पास पार्वो वायरस का साइज है। पार्वो वायरसेस जो सबसे हमारे पास लार्जेस्ट है इसको हम बोलते हैं पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस। और ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को याद होना चाहिए इनका साइज़ का, कि पार्वो वायरस का साइज कितना है, या हमारे पास जो पॉक्स वायरस है इसका साइज कितना है, तो ये भी तुम लोग को एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। हम बात करते हैं कि वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, कि वायरस क्या है, इन्फेक्शन काजिंग एजेंट्स है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ इन्फेक्शन, या बात जगह पे हम यूज़ करते हैं डिजीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है देखे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज़, इन्फेक्शन एंड डिजीज़ में डिफरेंस क्या है। जगह जगह पे हम यूज़ करते हैं लेकिन समझने की कोशिश करें, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होता है, ये पहला स्टेप है। अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई अदर माइक्रोब्स या जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं वो इंटर हो जाए और रिप्लिकेशन स्टार्ट करे, मीन वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे, तो इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। जो डिजीज़ है वो इन्फेक्शन के बाद होती है, पहले इन्फेक्शन होता है उसके बाद डिजीज़ होती है। डिजीज़ किस चीज़ को बोलते हैं, जो ये बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोब्स जिस्म में आ गए, रिप्लिकेशन स्टार्ट किया, अब वो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी सेल को डैमेज कर रहे हैं, और उसी डैमेजिंग की वजह से जो बॉडी है हमारी वो क्या कर लेते हैं, बीमारी की सिम्टम शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिजीज़ का नाम देते हैं। यानी इन्फेक्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप है यानी इंट्री ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स टू आवर बॉडी और बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड देन स्टार्ट रिप्लिकेशन, यानी वो रिप्लिकेशन बोलते हैं इनके कापीज़ बनना, रिप्रोडक्शन तादाद में ज़्यादा होना, मल्टीप्लिकेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डिजीज़ व्हेन दीज एजेंट्स से क्या है? मतलब है वायरसेस, बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हेन दीज एजेंट्स डैमेज्ड आवर सेल एंड आवर बॉडी शो सिम्टम्स ऑफ इलनेस, सिम्टम्स ऑफ इलनेस, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डिजीज़ का नाम देते हैं। अब वायरसेस डिफरेंट इन्फेक्शन काज कर लेते हैं जिससे डिजीज़ बनती है, प्लांट्स के अंदर भी काज करते हैं, एनिमल के अंदर भी काज करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी काज कर लेते हैं, जिस तरह के HIV हो गया, पोलियो हो गया, प्लांट्स के अंदर जिस तरह टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गया,
तो ये क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसके बाद ये नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अगर वायरस का कंपैरिजन हम करें बैक्टीरिया के साथ, तो वायरसेस इस कंपेयर टू वायरसेस क्या, बैक्टीरिया वायरसेस क्या हैं, इंतहाई स्मॉल होते हैं। जो वायरस का साइज है बैक्टीरिया की निस्बत ये 10 to 1000 टाइम छोटा है। द साइज ऑफ वायरस इज 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ बैक्टीरिया। चूँकि एक ऐसा मेम्ब्रेन लेबॉरेटरी में यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया पास नहीं होते, फिल्टर होते हैं, लेकिन उससे वायरसेस पास हो जाते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरीज ऑफ वायरसेस में कि यह क्या था, पोर्सिलिन फैक्टर था, जिनसे बैक्टीरिया पास नहीं हो रहे थे लेकिन वायरस पास हो गए थे, तो ये हम क्या कहते हैं कि दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। हम क्या कहते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तब है, लिविंग एंटिटीज इनको बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आ जाए, वहाँ पे अपना रिप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे, लिविंग होस्ट पे आ जाए, तो वहाँ पे जब ये रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, वायरस के पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ना इनके अंदर कोई रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ना इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है कि वो उसको एनर्जी बना के दे, बल्कि ये डिपेंड कर लेता है होस्ट की बॉडी पे। यानी हम क्या कहते हैं कि वायरसेस लेक देयर ओन बायोसिंथेटिक मशीनरी, कि इनके अंदर मशीनरी नहीं होती, और ये रहते हैं एक पैरासाइट की फॉर्म में, यानी पैरासाइट हॉस्ट में पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि वायरस क्या है कि हम कहते हैं कि वायरसेस न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बने हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि वायरस ये कहाँ से लेके आते हैं, ये हॉस्ट के बॉडी से लेते हैं, और इस वजह से हम वायरसेस को कहते हैं कि वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। एक हमारे पास होता है ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन द कंट्रास्ट ऑफ ओब्लिगेट फैकल्टी पैरासाइट, द अदर इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। दूसरा क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। ओब्लिगेट पैरासाइट उस पैरासाइट को बोलते हैं जो कि अपने लाइफ के अंदर ये हॉस्ट पे डिपेंड होता है, हॉस्ट के बगैर ये नहीं रह सकता, तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट, यानी हॉस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट, हॉस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है, फैकल्टेटिव निकला हुआ है, फैकल्टी से निकला हुआ है, यानी फैकल्टी किस चीज़ को बोलते हैं, हॉस्ट मुराद है यहाँ से, कि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है ये हॉस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि ये क्या है, इनडिपेंडेंट ऑन हॉस्ट है, हॉस्ट के बगैर भी रह सकते हैं और हॉस्ट पे रह सकते हैं, या ये क्या कर लेते हैं, एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट अपना हॉस्ट क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि अगर वायरसेस हमारे पास ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, तो ये क्या कास करेंगी, डिजीज़ कास करेंगी, और डिजीज़ कास करने को हम नाम देते हैं पैथोजेनिसिटी। क्या नाम देते हैं, पैथोजेनिसिटी। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस, व्हाट आर, अगर वायरसेस पैथोजेनिसिटी कास करते हैं तो व्हाट आर पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस या ऐसे एजेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कास करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, पैथोजेंस। विच काज डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच काज डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पैथोजेंस का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्ट पे, यानी क्या कर लेता है, जो वायरस है प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन कास कर लेता है, यानी प्लांट एज अ हॉस्ट यूज़ करता है, एनिमल एज अ हॉस्ट यूज़ कर लेता है, इवन कि इसने बैक्टीरिया को भी नहीं बख्शा, ये क्या कर लेता है, वायरस आल्सो कास इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फिर बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज, जो कि हमारा जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे।
इसके साथ साथ हमारे पास जो वायरसेस हैं ये क्या कर लेते हैं, फंजाई को भी इफेक्ट कर लेते हैं। दे आल्सो काज इन्फेक्ट या काज डिजीज इन फंजाई, और इसको हम नाम देते हैं फंजाई के अंदर माइकोफेज। माइकोफेज इवन के वायरस ने क्या किया, इतना ये इन्फेक्शियस एजेंट है कि ये दूसरे वायरस के अंदर भी क्या कर लेता है, इन्फेक्शन काज कर ले, दूसरे वायरस को भी एज अ होस्ट के तौर पे यूज़ करता है, और इसको हम नाम देते हैं व्हेन वायरस इन्फेक्ट द अदर वायरस, इन्फेक्ट द अदर वायरस या व्हेन वायरस यूज एज अ होस्ट द अदर वायरस, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वायरोफेज का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, वायरोफेज का नाम देते हैं। हमारे पास जो वायरसेस हैं ये क्या है, ये एंटी, यानी अगर हम उसके लिए एंटीबैक्टीरियल यूज़ करें तो वो रिजिस्ट करते हैं, दे आर रिजिस्टेंट टू एंटीबैक्टीरियल्स, यानी अगर बॉडी के अंदर ये आ जाए इन्फेक्शन काज करे तो उसको हम एंटीबैक्टीरियल से ट्रीट नहीं कर सकते। इवन कि ये क्या कर लेते हैं, यानी वायरसेस रिजिस्टेंट शो करते हैं किस चीज़ को शो करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल को, यानी जो हम कॉमनली यूज बैक्टीरियल यूज, जिस तरह हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है या पेंसिलिन है, उससे ये ठीक नहीं होता। इसके साथ साथ ये टेम्परेचर रिजिस्टेंट है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी सर्वाइवल कर सकते हैं, लो टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास साल्ट्स हैं, उसके लिए रेजिस्टेंट शो करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा वायरसेस पे। हमारे पास एसिड्स हैं तो एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा वायरस पे। इस तरह हमारे पास क्या है, बेसिस है तो बेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे पास किस चीज़ पे, वायरसेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बल्कि ये क्या कर लेते हैं, ये म्यूटेशन शो करते हैं, दे वायरसेस आर म्यूटेटेड या दे शो म्यूटेशन। म्यूटेशन का ये मतलब है कि इनके जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या आरएनए है, उनके आरएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आता है, उनकी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है उनमें चेंजेस आते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि म्यूटेशन। ये जो कोरोना वायरस है इनका जो इलाज है क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो जाएगा लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि उनका जो न्यूक्लिक एसिड है उनमें कंटिन्यूसली म्यूटेशन आ रही है कि एक इलाके से जब ये दूसरे इलाके में जाता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या कोई और फैक्टर होंगे जो कि अभी तक वेल नोन नहीं है, उसकी वजह से इनके अंदर क्या शो होते हैं, म्यूटेशन शो होते हैं। अब ये क्या कर लेते हैं कि वायरसेस हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं, यानी हेल्दी पर्सन से ये हमारे पास जो इन्फेक्टेड पर्सन से उससे ट्रांसमिट होते हैं हेल्दी पर्सन में, डिपेंड अपॉन दी नेचर एंड डिपेंड अपॉन दी होस्ट पे डिपेंड कर लेता है, लेकिन ये कॉमनली ट्रांसमिट होते हैं एयर के ज़रिए, इसके साथ साथ टच के ज़रिए, इसके साथ साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए। हमारे पास जब हम कंटिमिनेटेड सिरिंज यूज़ करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, तो ये इनके क्या है, डिफरेंट मेथड होते हैं। और हमारे पास वायरस इसको ट्रीट करने के लिए क्या है, सबसे अगर वायरस किसी बॉडी में आ जाए तो क्या होता है, बॉडी ख़ुद इम्यून रिस्पांस शो करता है, या अगर बॉडी इम्यून रिस्पांस शो ना करे तो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास रेबीज़ के लिए या जो हमारे पास पोलियो के लिए, पोलियो माइलेटस के लिए वैक्सीन होते हैं, तो वैक्सीन इनके खिलाफ क्या है, एग्नेस्ट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन से कि वायरस के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, जिस तरह हम कहते हैं हर चीज़ के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है वायरस के, तो वायरस जनरली इसके कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है, इंसान के लिए इसकी कोई भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, चूँकि ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट से। लेकिन टू सम एक्सटेंट इसको हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरियोफेज है वो यूज़ करते हैं, अगर किसी वाटर में वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे यूज़ करके वाटर को प्रिजर्व करते हैं, सफाई के लिए यूज़ करते हैं। बाकी टू सम एक्सटेंट लेबॉरेटरीज में यूज़ होते हैं, लेकिन जिस तरह हम बैक्टीरिया की क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया की कल्चर बना देते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं, इसी तरह वायरस को हम आर्टिफिशियल मीडिया में या उसको कल्चर में हम ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओनली रिप्लिकेट करता है विद इन लिविंग होस्ट। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसकी कोई नहीं है, और इसको आजकल यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर,
बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब ये वो दौर अब गुजर गया कि लोग एक कंट्री वाले दूसरी कंट्री के साथ क्या करते, जंग करते थे तो हथियारों की मदद से, नहीं वो टाइम तो अभी गुजर गया, बल्कि वो क्या कर लेते हैं, चूँकि ये काफ़ी इन्फेक्शियस एजेंट है, लेबॉरेटरी में वायरस बना देते हैं, इनकी म्यूटेशन करवा देते हैं, उसको ट्रायल कर देते हैं, अगर वो डिज़ीज़ कास्ट कर लेते हैं तो किसी मुल्क में जाके वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, चूँकि इसको हम केमिकल की तरह स्टोर कर सकते हैं लाइक साल्ट एंड शुगर, एक को डब्बे में लेके वहाँ पे छोड़ दे तो क्या करेंगे, वबा बनेगी जो कि उसके मुल्क के लिए नुकसान होगा, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।